को देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ब्रिज, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहाँ पे खत्म होते हैं भाई। देखो यहाँ पे टूरिस्ट वाला फंसा हुआ है, चाहिए। देखो ये रहा कारगिल टू श्रीनगर के रोड, बहुत बड़ा है, जहाँ पे आपकी 25 लाख का गाड़ी नहीं चढ़ सकते वहाँ पे ये 7-8 लाख का गाड़ी आराम से चढ़ जाएंगे भाई। अभी जब मारपीट के टाइम पे आते हैं तो कका बोलते भोसड़ी के। कहाँ पे खेलेगा मैच? दुगार का सकते ना, कहाँ बन रखा था, कौन सी जगह था? तिहाड़ में। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो गाइस हम आ चुके हैं और न्यू ब्लॉग के साथ। गाइस आज का ब्लॉग होने वाले कारगिल टू श्रीनगर ट्रिप के ऊपर। सो गाइस हम जाने वाले थे श्रीनगर और कारगिल टू श्रीनगर के ट्रिप के ऊपर जितने भी बंदे एक्साइटेड है सो ये वीडियो देखने के लिए, और उन लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं गाइस, अभी हम निकलने वाले हैं लगभग 12:30 के आसपास श्रीनगर के लिए। सो गाइस वो भी दिखाएंगे हम कौन सी गाड़ी में जा रहा है। ऑलराइट सो गाइस, जस्ट घर से निकल के अंसारी भाई की दुकान पे पहुंच चुका है। अंसारी भाई एक बार हाई कर दे। ये अपना सेट सब देख सकते हैं गाइस बहुत पैसा वाला बंदा है भाई। ये रहा बाइक का दुकान, सो बाइक की दुकान पे विजिट करना, हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पे। फाइनली गाइस अभी हम बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं कारगिल मार्केट की। सो अभी हमारे साथ नासिर भाई यहाँ पे मिला है, तो नासिर भाई था नुब्रा वैली। तो अभी नासिर भाई काफी दिनों के बाद, लगभग 3-4 महीनों के बाद यहाँ पे मिल रहा है। नासिर भाई क्या है, बस अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो भाई? कुछ नहीं, ये रहा अपना हलीफा भाई। ओ भाई कितने में मिल रहा है? 250-250। बाकी देखो गाइस साला, अभी जब मारपीट के टाइम पे आते हैं तो कका बोलते हैं भोसड़ी के। कहाँ पे खेलेगा मैच? दुगार का सकते ना, कहाँ बन रखा था, कौन सी जगह था? तिहाड़ में। बाल इतना बड़ा हुआ है बेचारे का, कहीं ले जाते हैं किसी सैलून में। यहाँ से निकलेंगे अभी, जस्ट कारगिल से निकल जाएगा इस, अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे, शुरू से पहुँचे लगभग कारगिल से 4-4.5 किलोमीटर दूर पड़ता है शुरू से। पता को इसको भी गलत नज़र से मत देखा कर रहा तुम लोग, क्या ही बोलूँ। तो पहुंच चुका है गाइस, और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं यार, पर्सनली गाड़ी रोक के आप लोगों के लिए ये चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। सो यहां से पानी आ रहा है ना, जो दरिया बह रहा है, सो ये पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में मिल जाते हैं। सो इस रिवर का नाम इंदस रिवर है, जिन्हें पता नहीं है गाइस उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन। गाड़ी ना वो गाड़ी है जहाँ पे आपकी 25 लाख का गाड़ी नहीं चढ़ सकते वहां पे ये 7-8 लाख का गाड़ी आराम से चढ़ जाएंगे भाई। ये वो गाड़ी है, ऑफ रोड किंग कहा जाते है भाई, ये वही गाड़ी है। गाइस रोड कैरियर मतलब ये रहा गाइस, भाई आते वक्त ना, अभी तो खाली क्रेट बचा हुआ है, खाली क्रेट रखा हुआ है, आते वक्त फुल क्रेट फुल भर के था गाइस। तो देखो भाई, देखो ये रहा कारगिल टू श्रीनगर के रोड, बहुत बड़ा टफ रोड है भाई। पता नहीं गाइस कब से यार इन्होंने मुंह हाथ नहीं धोया है मेरे साथ में। मुझे लेह के सफर में इतना तकलीफ नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है गाइस। बाकी हम
देखो भाई, जिन्होंने बर्फ नहीं देखा है, देखो भाई, देखो जी भर के देखो, सालों साल देखो, हजारों बार देखो इस बर्फ को। देखो यहाँ पे टूरिस्ट वाला फंसा हुआ है। अरे चाहिए गाइस, हम वहाँ पहुंचे जहाँ पे हमारा पहले प्रॉपर जगह हुआ करता था, जो हमारा पहले विलेज था, गांव था, ठीक है, जहाँ पे हम रहते थे, हम वहाँ पे पहुंचा है, वो जगह है गाइस, नीलग्राट। सो ये देखो गाइस, यही है, और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा का टाइम है। अरे भाई इस ब्रिज को देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ब्रिज, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहाँ पे खत्म होते हैं भाई। कितना बड़ा, कितना लंबा ब्रिज होने वाले पता है। ओके ऑलराइट, तो सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुलेनसो, कारगिल से सीधा श्रीनगर निकला नहीं गाइस, क्योंकि हालत बहुत, कंडीशन बहुत खराब हो चुका था, और पता नहीं यार लेकी सफर से ज्यादा मुझे इस सफर में कंफर्ट फील नहीं हुआ गाइस, बट चलो कोई ना। और कल शाम को इंट्रो इसलिए नहीं बना पाया, लास्ट ही चीज इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि यार हालत बहुत खराब हो चुका था, और एक तो फोन का बैटरी भी बिल्कुल डेथ हो चुका था यार, स्विच ऑफ हो गया था फोन, तो चीज की वजह से मैं नहीं बना पाया। आज सेकेंड डे, मॉर्निंग डे, मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों को गुड मॉर्निंग गाइस, सो बाकी मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।